देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर तमाम तरह की सहायता मुहैया कराने की बात करते हैं, लेकिन जनपद महोबा में इससे पलटकर तस्वीर नजर आ रही है। गुजरे 3 महीनों से एक दिव्यांग न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं जनपद में काबिज योगी सरकार के मुलाजिमों द्वारा दिव्यांग शिकायतकर्ता को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। एक सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर गवा चुके दिव्यांग की शिकायत पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब SP महोबा की चौकट पर पहुंचे इस दिव्यांग व्यक्ति ने जब अपनी बात रखनी चाही तो उसे वहां बैठे एक अधिकारी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब भला ऐसे हालात में दिव्यांग जाए भी तो कहां जाए। SP महोबा की चौकट पर पहुंचे दिव्यांग ने पुलिस की कार्यवाही को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। दिव्यांग की माने तो उसका सीधा आरोप है कि जानबूझकर उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है ताकि आरोपी को बचाया जा सके। मामला खन्ना थाना क्षेत्र के खमरिया तिगैला का है, जहां अपने साले की शादी में दोपहिया वाहन से जा रहे अनिल कुमार यादव पुत्र राम बिहारी यादव को एक ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक घटनास्थल से भाग गया था। ट्रैक्टर आसाराम पुत्र जयराम सिंह निवासी सिरसी खुर्द के नाम पर रजिस्टर्ड है, बावजूद उसके SHO खन्ना द्वारा ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। पीड़ित शिकायतकर्ता कई मर्तबा आला अफसरों से न्याय की गुहार लगा चुका है, बावजूद इसके खन्ना पुलिस द्वारा मामले को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। सड़क दुर्घटना में पीड़ित दिव्यांग का एक पैर कट चुका है, लेकिन पुलिस के लापरवाह रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। इस घटना को तकरीबन 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो वहीं आरोपी ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है। SP महोबा की चौकट पर पहुंचे अनिल कुमार यादव ने जब अपनी बात SP से रखनी चाही तो वहां बैठे एक अधिकारी ने उसकी बात को काट दिया। अब ऐसे में पैर से अपाहिज हो चुका अनिल जाए भी तो कहां जाए। गांव में खन्ना थाना के आने वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, 2-3 बार गए हैं तो CO साहब वो दरोगा जी भगा देते हैं, तो कार के कह देते हैं जाओ भग। 2 महीना अस्पताल में भर्ती रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। CO साहब कह रहे हैं ट्रैक्टर बदल लो, CO साहब भी नहीं सुन रहे हैं। आज एक्चुअली ऑफिस आए थे, मैडम से पूरी तरह बात नहीं हो पाई है। CO साहब ने खन्ना SO से बात की है, उन्होंने कह दिया है ऐसे है, CO साहब ने फिर भगा दिया है। दरोगा जी कह रहे हैं दूसरा ट्रैक्टर लगा लो जिसका बीमा हो, CO साहब यही बात कह रहे हैं। हमें देखिए अब आगे क्या होता है, न्याय नहीं मिलेगा तो फिर धारने में बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। पैर तो कट ही गया है, परिवार कैसे चलेगा। लगभग 3 महीने हो गए, 1.5 महीने हम अस्पताल में भर्ती रहे हैं, 12 मई को हुआ था और तब से अभी तक FIR नहीं लिखी गई, किसी ने नहीं लिखी। हमारी जगह हुआ है, CO साहब के यहाँ पहले गए थे तो उन्होंने कहा चलो हम बात करेंगे, यही बात अभी SP साहब ने कही। मैडम से बातें नहीं कहते थे होने दी है, CO साहब ने तुरंत हमारा वो लिया अप्लीकेशन और कह दिया चलो भागो भागो भागो। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ तक कि एक पुलिस वाले ने हमारा हाथ तक कंधा पकड़ के कहा है कि चलो।